सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अनुजी, एडिबल ऑयल पैक में क्या लगता है आपको? हमने यूएस सोयाबीन भी यहाँ पर आज उसमें नरमी आते हुए देखी है, $1600 के नीचे स्लिप हुई है, और मंडियों में भी जो खाद्य तेलों के दाम है ऊंचे भाव पर, उनमें लिवाली कम हुई है। तो ऐसे में खाद्य तेलों में क्या ऊंची कीमतें रहने के बावजूद भी जो डिमांड है वो कम रहेगी, और जो क्या बाजार अभी और नीचे जाता हुआ नजर आएगा? जी, खाद्य तेलों में हमने डिमांड की वजह से भाव नीचे आते हुए देखे हैं, और कहीं ना कहीं देखें तो अब इंडोनेशिया की तरफ से भी जो ड्यूटी है वो कम की गई है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी जो भाव है वो थोड़े से नेगेटिव फॉर्म में ही रहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर इस बार क्रॉप अच्छी देखने को मिली है, उसका भी असर है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे, और आने वाले दिनों में एडिबल ऑयल्स में कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी। जी।